जैसे जैसे नगर निगम के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे पार्षदों ने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों का रफ्तार देना शुरू कर दिया है। वार्ड 45 अशोकनगर से पार्षद राजेश कुमार प्रजापति का दावा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में पेयजल एवं क्षेत्र में जलभराव की समस्या के साथ साथ सड़क नाली खनंजे की समस्याओं को भी दूर करने का काम किया है। ताज नगरी में एक बार फिर नगर निगम चुनाव की तैयारियाँ जोरों पर है। कब जो है तारीख घोषित हो जाए इसके बारे में कुछ भी कहना भी संभव नहीं है। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सितंबर के बाद कभी भी जो है चुनाव की घोषणा हो सकती है। हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं बीजेपी पार्षद राजेश प्रजापति जी, आइए उनसे जानते हैं। जी, मैं राजेश कुमार प्रजापति वार्ड 45 अशोकनगर से पार्षद हूँ। अभी चुनाव की तैयारियाँ चल रही हैं लेकिन अभी तक डेट घोषित नहीं हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कब चुनाव की घोषणा हो जाए अभी ये कहना संभव है, लेकिन संगठन के निर्देशन में चुनाव की तैयारियों में सभी कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी और वर्तमान में जो पार्षद हैं सभी तैयारियों में लगे हुए हैं। पार्षद जी, अगर बात करें, जब आप चुनकर आए थे तो शुरुआती मुद्दे क्या थे, क्या आपके सब क्या आपको चुनौतियाँ मिली थी और किस तरह आपने काम किया? जब पहली बार संगठन ने मुझे प्रत्याशी के रूप में क्षेत्र में उतारा था तो मैंने जनता से काफ़ी वायदे किए थे और उनमें से मुख्य वायदे थे मेरे दो क्षेत्र हैं तारा मंगलेश्वर और बाड़ा चरण सिंह, जहां 20-25 साल से पानी की गंभीर समस्या थी। यहां पानी बिल्कुल भी नहीं था, लोगों को दूर दूर से पानी भर के लाना पड़ता था। आज की वर्तमान स्थिति में बाड़ा चरण सिंह, तालाब मंगलेश्वर, गोकुलपुरा, बाकी और भी जो क्षेत्र हैं जहाँ पानी नहीं था, आज सुबह शाम लोगों को पानी मिल रहा है। टाइम से लोग पानी भर पा रहे हैं, लोगों को घर से बाहर पानी भरने नहीं जाना पड़ता। अभी जो कार्य रह गए हैं और क्या संभावना है, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत कार्यकाल बचा हुआ है, तो क्या संभावना है कि क्या आगे ये कार्यकाल में, आने वाले कार्यकाल में ये जो कार्य हैं वो पूरे होंगे या अभी भी संभावना है? देखिए, अभी चुनाव में समय है, तिथि घोषित नहीं हुई है। प्रयास मेरा यही है कि इसी कार्यकाल में ही उन समस्याओं का समाधान किया जाए। जो भी नाली सड़कें वगैरह रह गई हैं उनको इसी कार्यकाल में बनवाया जाए और जनता को बनने से उनको आराम सहूलियत हो। कई बार नाराज़गी रहती है पार्षदों में कि जी हमने अपने कार्य के लिए फाइलें लगाई हुई हैं, कुछ फाइलें पास हुई, कुछ फाइलें रोक दी गई, या फिर कहीं ना कहीं जो सपा बसपा के आज दिन सदन में आरोप लगते रहते हैं कि जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। क्या स्थिति आप लोगों की, क्या कुछ स्थिति रही है सदन के दौरान? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। मेरा मानना ये है जितने कार्य भाजपा पार्षदों के हुए उतने ही कार्य विपक्ष के, यानी बहुजन समाजवादी पार्टी के पार्षदों के हुए हैं, समाजवादी पार्टी के पार्षदों के हुए हैं। मेरे पास एक लिस्ट थी, फिलहाल अभी समय मौजूद नहीं है, नहीं मैं आपको दिखा देता। कि देखा जाए तो कहीं भी नगर निगम में भेदभाव नहीं हुआ है, सभी के वार्डों में कार्य कराए गए हैं। बरसात में देखा गया जल भराव की समस्या आती है, कई क्षेत्र हैं, कई सारे पार्षद ऐसे हैं जिनके क्षेत्रों में ये समस्या बनी हुई है, आपकी क्या स्थिति है? देखिए, मेरे यहाँ पहले जल भराव काफ़ी हुआ करता था। सबसे पहले पचकुआ से गोकुलपुरा रोड है, वहाँ होता था। मैंने एक साइड का नाला बनवा दिया, तब से पानी का जल भराव बहुत कम हुआ। नाले की सफाई जो है बाल्मीक बस्ती से लेकर नालवन चौराहे तक काफ़ी गहराई के साथ कराई, इसके कारण भी जल भराव कम हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत होता है। मेरा प्रयास ये है कि अगले सीजन जब बरसात आए तो वो जल भराव भी ना हो और लोगों को इससे निजात मिले। आपके क्षेत्र में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सड़कों की दिक्कतें थी, खरंजों की दिक्कतें थी, जल भराव होता था तो आदमी को निकलना भी मुश्किल हो जाता था, लेकिन आप जब आप पार्षद चुने गए तो क्या उन सड़कों की आज स्थिति क्या है? जब जनता के बीच चुन करके गया था मैं, तो जो क्षेत्रों में गंभीर समय जैसे ना जल भराव के बाद गंदगी रहती थी, नरगे हालात होते थे, सबसे सड़कों की स्थिति खराब थी बेहद। और आज मेरे पास उनका रिकॉर्ड भी है, जहाँ जहाँ मैंने कार्य कराए हैं, मैंने अपनी एक किताब बनवाई है विकास कार्यों की, मैं उनको जनता के बीच रखूँगा और जनता से कहूँगा कि आपके द्वारा वोट देने के बाद मैंने आपके समस्याओं को कितना हद कम किया और उनको हर समस्या का समाधान किया और उनका सुधार किया। आगामी चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? आगामी चुनाव में संगठन की तरफ से जो भी निर्णय हो वो स्वीकार होगा। अगर मैं दोबारा जनता के बीच चुन करके जाता हूँ तो जो भी मेरी समस्या है, जहाँ रह गए, थोड़ा बहुत पानी की समस्या है तो कहीं कहीं जल भराव की समस्या है, और जो भी समस्या उनकी मूलभूत होंगी उनका स्थायी समाधान करना मेरी प्राथमिकता रहेगी और उनकी समस्याओं के बीच में खड़ा होता हूँ, इतना मेरा अथक प्रयास रहता है।
तो ये थे हमारे साथ वार्ड 45 से पार्षद राजेश कुमार प्रजापति जी, जिन्होंने जानकारी दी कि उनके कार्यकाल के दौरान किस तरह के कार्य हुए हैं। लेकिन चूंकि अभी भी कुछ कार्य ऐसे हैं जो उन्हें कराने हैं, हालांकि अभी भी समय है, प्रयास उनका जारी है उन कार्यों को पूर्ण कराने के लिए, लेकिन उनका कहना है कि अगर एक बार संगठन उन्हें फिर जिम्मेदारी देता है तो आने वाले समय में जो कार्य रह गए हैं उनको भी वो प्राथमिकता पर रखते हुए उन्हें भी पूर्ण कराने का काम करेंगे। अपने साथी राहुल के साथ अनिल कुमार सिंह, सी न्यूज़ आगरा।